सो फाइनली हमें एक ट्रिप पे लेके जाया जा रहा है। आज से पहले एक या दो दिन की होती थी मैक्सिमम ट्रिप, बट अभी ये ट्रिप लगभग 4-5 दिन की है। तो मैं ट्राई करूँगा जितना मैं व्लॉग कर सकता हूँ। मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया एक भी व्लॉग वगैरह, तो ट्राई करते हैं। तो अभी कम्प्लीटली मैं रेडी हूँ और बैग वगैरह मैंने कम्प्लीट पैक कर लिया है, तो चलते हैं। सो फाइनली सुबह से चलते चलते पहुंच चुके हैं और टाइम हो गया है 11:49 और ये टेंट मिला है हमें। तो यहाँ पर 3 बंदों का स्टे है एक टेंट में, और देख सकते हो सिंपल टेंट है, कोई ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसमें, बट हाँ व्यू है वो काफ़ी बढ़िया है। कर इसको बंद और बचा हुआ व्यू सुबह दिखाते हैं। अभी थोड़ा नाइट का टाइम है तो कुछ भी दिख नहीं रहा। और ये हमारा टेंट जो आपने रात को देखा था, तो अभी इसकी हालत देखो एक बार। हमने तीनों बेड को एक साथ मिला लिया था। और अभी एक शॉर्ट क्लिक करते हैं कैमरे से, मैं निकालता हूँ। ये है निकॉन का D3100 जो कि मैं सिर्फ फ़ोटो खींचने के लिए लेके आया था। काफ़ी पुराना है बट काम चल जाएगा। और इसकी बैटरी यहाँ पर चार्ज लग रही है, इसको लेके चलते हैं और फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। तो कुछ ऐसा व्यू है यहाँ पर। यो 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 रुक जा रुक जा रुक जा आ बराबर में मैं मारूं। आ आ आजा बेटा आजा। हां कौन दादा मारे। सो ये हमारे कैंप के पास में एक रिवर थी जहां पर हम मतलब वैसे घूमने आए थे। तो आपने स्टार्टिंग में सीन तो देखे होंगे। और भाई पैर देखो बिल्कुल मतलब लाल हो चुके हैं, इतना ठंडा पानी है पूछो मत। और 2-3 बार तो गिरते गिरते बचे, और साथ में ये चप्पल भी टूट चुकी है हमारी। और ये देखो न्यू व्लॉगर्स इन द टाउन। यो यो ये पारुल। और कुछ ऐसा व्यू है, मतलब पानी इतना ज़्यादा नहीं है बट बहुत ज़्यादा ठंडा है यार, बहुत ज़्यादा। और इसके बाद अब एक राफ्टिंग का भी सीन है, तो वो भी देखते हैं। अगर उनके पास गोप्रो वगैरह हुआ तो कुछ क्लिप्स वगैरह मैं ऐड करने का ट्राई करूँगा। थोड़ा पीछे जाओ। अरे थोड़ा पीछे जाओ भाई, थोड़ा पीछे। हेलो स्टॉप। हल्ला कोई नहीं मचाएगा ठीक है। अरे भाई स्टॉप, हल्ला कोई नहीं मचाएगा ठीक है। आप लोग फर्स्ट रैपिड आएंगे, रैपिड का नाम है कलाबाउ। चलो चलाओ एक साथ, एक साथ वीडियो में आ रहे हो भाई, तेज चलाओ। हेलो अरे भाई, हेलो चिल्लाओ मत, चलाओ भी यार साथ में। अरे भाई चलाओ, एक साथ चलाओ यार। अरे पढ़ तो डाले
रोक दे मित्र सुजीत वीडियो बना दिया वीडियो रखते वो हम आए यहाँ पर ऋषिकेश में एक लोकल मार्केट में और इधर ये हमारे ओलोगर भैया अंकित नंदा ये भाई बाउंस रेंट फैमिली यस मार्केट और यहाँ पे सारी चीजें बहुत महंगी मिल रही है महंगी नहीं मतलब ये तो ना बेचने वाली गल ना हुई सीधी सीधी कह दो लेना ही हैगा नहीं कुछ ऐसी तो ताप से ले चल रहा है सुनना किसी चैन दिखे गाइस फाइनली हम आ चुके हैं राम झूले पे और यहाँ पर हम फुल फोटोग्राफी ऑन द मॉडर्न सम ब्रेकफास्ट सॉरी लंच इज नीडेड नए ब्लॉगर तो सो कुछ भी बोल दे तो इग्नोर कीप स्पोर्टिंग एंड कीप अरे फोटोग्राफी होती है सुई सिलिया होता ना ये जो बंदा फ्रेम में देख रहे हैं ये बंदा कौन है मेरा ही चैनल इसने सो ये है राम झूला तो फाइनली इतना घूम के वहाँ से और यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ से कुछ व्यू ऐसा दिख रहा है मतलब नॉर्मल वही गंगा का व्यू बट ये सीन काफ़ी सेटिस्फाइंग है और अभी थोड़ी देर में यहाँ पर आरती वगैरह भी स्टार्ट होने वाली है तो वो भी देखते हैं और पूरी ट्रिप में मैंने मतलब बहुत कम बोला है व्लॉग्स में यार थोड़ी एजिटेशन होती है मेरे को बोलने में तो इस वजह से बट मैंने एक एवरेज जितना मैं बना सकता था मैंने बनने का ट्राई किया सो अभी हम वापस जा रहे हैं मतलब कि वापस अभी आरती है 6 बजे के आसपास तो वो देखते हैं और उसके बाद फिर हम वापस कैंप में चलेंगे और कल चलना है मसूरी तो आगे का व्लॉग मैं वहीं से कंटिन्यू करूँगा तो अभी आपने आरती भी देख ली होगी और अभी भी चल रही है मतलब आरती देख सकते हो आपको आवाज़ आ रही होगी बट हमें जल्दी वहाँ पर पहुँचना था तो हम निकल के आ चुके हैं वहाँ से और आरती में और बैठने का मन था बट जो कैंप है लगभग यहाँ से 13-14 किलोमीटर अंदर है और यहाँ की भाई ड्राइविंग उत्तराखंड की भाई कोई अगर है कोई देख रहा हो तो भाई मतलब कि बहुत खतरनाक या फिर रैश ड्राइविंग करते हैं कल रात को हम बिल्कुल मतलब इतने तरीके से बचे थे भाई पूछो मत उस टाइम मेरा कैमरा ऑन नहीं था मैं तो डेफिनेटली शूट करता हूँ उस चीज़ को और अभी हम कैंप में पहुँच जाते हैं उसके बाद मिलता हूँ लेटर दैट सेम इवनिंग